नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के एमएलके पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 8 जनवरी से शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट 12 जनवरी तक होना है। वर्ष 1938 में शुरू किया गया महाराजा सर भगवती प्रताप सिंह प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट आज राष्ट्रीय टूर्नामेंट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। पिछले 84 वर्षों से लगातार हॉकी टूर्नामेंट जनपद बलरामपुर जैसे पिछड़े जिले के खेल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अब इस हॉकी टूर्नामेंट को हॉकी इंडिया से बी ग्रेड प्राप्त है। इस वर्ष के टूर्नामेंट में देश के विभिन्न प्रदेशों के कुल 14 टीमें प्रतिभाग करेगी। 8 जनवरी को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच खेला गया। बलरामपुर में महाराजा सर बीपी सिंह अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का शुक्रवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। एमएलके पीजी कॉलेज के हॉकी ग्राउंड पर 5 दिनों तक चलने वाले हॉकी के इस महाकुंभ में देश की 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस हॉकी टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। महाराजा सर बीपी सिंह अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन 12:30 बजे हमारे महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष व इस टूर्नामेंट के प्रमुख संरक्षक महाराजा श्रीमान जयंत प्रताप सिंह जी की मौजूदगी में हुआ है। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 9 टीमें उत्तर प्रदेश के बाहर की हैं, 5 टीमें उत्तर प्रदेश की हैं। पहला मैच स्टार 11 बलरामपुर तथा हॉकी अमरावती महाराष्ट्र के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अभी स्टार 11 बलरामपुर की टीम ने 2-1 से यह मैच जीत लिया है। है ठीक है रोल। आपकी टीम आज जीत हासिल की है अमरावती महाराष्ट्र से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत मुबारक हमारे बलरामपुर वासियों के लिए कि ये ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट जो हमारी टीम के बलरामपुर मेजबान है, आज हमें जीत का सिर पूरे टीम को दे रहे हैं। पूरे बलरामपुर हमारे जो पब्लिक जो दर्शक हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा, हमने जीत हासिल की और अगले स्टेप में भी जीत हासिल करने का इंशाल्लाह कोशिश है। और कोशिश ये है कि इस टूर्नामेंट महाराजा सर भगवती प्रसाद अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट को उसका जो विनर कप है वो जीतने की लक्ष्य है। हम सब एक ख्वाहिश है हम बलरामपुर वासियों के लिए और हम सबकी भी ख्वाहिश है कि एक बार ये टूर्नामेंट में हम विजय हों, हमारा बलरामपुर विजय हो। कैसी तैयारी थी इस बार आपकी? तैयारी बहुत जोर से था, थोड़े इसमें कमियां रह गई हम सब में और थोड़ा मौसम में भी हमारा सबका साथ नहीं दिया, या तो और अच्छा परफॉर्मेंस हमारी टीम देती इस जगह पर और आप सबका सहयोग, पूरे बलरामपुर का सहयोग रहा तो टूर्नामेंट जीत गई।